जय हिंद साथियों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में, और इस भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि इस भर्ती का जो पेपर अभी फिलहाल हुआ है साथियों, वो आउट हो गया है। तो बात करेंगे कि क्या दोबारा से इस भर्ती की एग्जाम होने वाली है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, जी राजस्थान की ये न्यूज है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 14 मई को दूसरी पारी में होने वाला पेपर परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसओजी के पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। झोटवाड़ा में एक निजी स्कूल में परीक्षा केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूप से पेपर साथियों लीक हुआ है। करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। तो साथियों, एक बार फिर से राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षाओं में जो नकल माफिया है उनको रोकने में नाकाम हुई है। यहां पर पुलिस मुख्यालय ने भी इस भर्ती का जो पेपर हुआ है 14 तारीख को सेकेंड पारी में, उसको साथियों निरस्त कर दिया है। अपडेट उपेन यादव ने दी है, जो राजस्थान बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये अपडेट दी है कि डीजीपी उनका बड़ा फैसला है कि 14 मई को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरी पारी का जो पेपर है, इसकी दोबारा से पूरे राजस्थान में एग्जाम साथियों होने वाली है। तो एक बड़ी अपडेट कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, इसका एग्जाम अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा दोबारा से करवाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।